He's going for it. It's a six. ये स्विंग करने की जो एबिलिटी है नेचुरल है या आपने इस पर बहुत ज्यादा काम किया? कितना नेचुरल है ये? कई लोग बातें करते हैं, जब शुरू किया था इसमें तो हमारे सेलेक्ट किए कि हमें ऐसा बनना है, उसमें दो बॉलर्स, एक डेल स्टेन, क्योंकि उनकी आउटस्विंग बहुत अच्छी होती है एंड ही इज मूविंग दैट ऑन एट द स्पीड ऑफ 140. सो हमारा ये था कि स्विंग करवाएंगे और 140 थे, एक मार्शल थे मेलकम मार्शल, उनकी दोनों तरफ मूव होती थी, उनकी स्पीड 145 थी, तो हमारे दो गोल 145 एंड स्विंग. लोग बोलते हैं कि ये इसका नेचुरल नेचुरल, मेरे ख्याल से कुछ भी नेचुरल नहीं होता. मैंने जो प्रैक्टिस करी सबसे ज़्यादा वो स्विंग की थी. मतलब रात को जब मैं स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद जब स्टार्ट ही किया तो 500 बॉल फेंकता था पापा के हाथ में डायरेक्ट. पापा पकड़ते थे 250 आउट स्विंग 250 इन स्विंग. तो मेरी फिनिश पोजिशन इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने बचपन में वही काम किया, तो वो मेरा नेचुरल बन गया. ऐसे अगर इसका बोले कि ये तेज फेंकता है, इसका पेस बहुत अच्छा है, तो वो नेचुरल नहीं है, बहुत स्लो था. इसको बोला गया कि तेज फेंक क्योंकि वो स्लो वाली स्पिन काम की नहीं है. वो चला गया कि आप डिप कराओ, वो सब नहीं है. अभी क्रिकेट चलेगी, क्रिकेट चेंज होगी, पहले क्रिकेट लगती है, अभी चेंज है. तकरीबन 13-14 साल से आपके इस नीचे सीख रहा है, खेल रहा है, बड़ा हुआ, तो क्या बदलाव देखे आपने तब से लेके अब तक? ये एज ए स्पिनर कोई इतनी मेहनत करता नहीं, जो इसने सस्टेन किया है जो 13-14 साल, वो भी दीपक के साथ. तो वो उस समय हमारी कैलकुलेशन थी वो इतनी दुरुस्त नहीं थी कि राहुल को इतना बड़ा फायदा हो, लेकिन अब लगता है कि बहुत बड़ा फायदा हो. तो फिटनेस से आज तेज हो गया राहुल, पहले स्लो था दोनों फील्डिंग रनिंग बिटवीन द विकेट्स, देन द स्पीड ऑफ बॉलिंग. अभी जो एवरेज स्पीड है जो लेग स्पिनर की, उससे 5 किलोमीटर ज़्यादा रहा. अच्छा, वो सारा जो दीपक के साथ फिटनेस की है वो. प्रेशर होता था कि इन्होंने इतना कुछ कर दिया, 24 घंटे लगे रहते हैं, तो डर था कि यार अगर नहीं कर पाए तो क्या होगा? ये डर था आप दोनों के मन में? मेरे मन में ये डर कभी नहीं था क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बचपन से हमेशा अच्छी रही है. मेरे ऊपर परफॉर्मेंस का कोई डर नहीं था, बस फिटनेस और उसका रहता था. मेरे फादर ने पूरी लाइफ डिवोट कर दी मेरे लिए, तो ऑब्वियसली मैं उनको कैसे लेट डाउन कर सकता हूँ कुछ भी गलत करके. एंड ऑफ द डे आपको बैठ के ये नहीं लगना चाहिए कि शायद मैं ऐसा कर लेता तो शायद मैं खेल पाता. तो हमने वो काम किया जो हमें लगे कि भाई हम एंड ऑफ द डे जाके बैठेंगे तो अपने को एनालाइज करेंगे, शायद मैं अपनी लाइफ में उस टाइम पे ये चीज़ करता हूँ, शायद मैं इंडिया खेलता. ऐसा अब तक हमारी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो गया. हम कोई भी चीज़ ऐसे रिग्रेट नहीं करते कि 24 घंटे से ज़्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता. मैं सबको ये भी बोलता हूँ हर जगह कि वैसे मैंने मेहनत की है, मेरे फादर ने तपस्या की. हाय, दिस इज दीपक चहर. हाय, आई एम राहुल चहर. वॉच अस ऑन स्पाइसी पिच, ओनली ऑन क्रिकेट.